अगर कोई बॉडी इस तरह से मूवमेंट करे कि वो एक फिक्स पॉइंट के गिर्द अपनी हरकत को बार बार दोहराए, यानी कि अपनी मोशन को रिपीट करें, जैसे कि पिंडोलम पिंडोलम में जब हम बॉब को जो कि एक फिक्स पॉइंट पर है उस पर फोर्स लगा के उसको थोड़ी सी हाइट पर लेकर जाएं और वहां जाकर छोड़ दें, तो होता क्या है कि जो हमारी बॉल है ये वापस अपनी मेन पोजिशन पर आती है और फिर यहाँ से दोबारा सेम पोजिशन पर चली जाती है, यानी कि अपनी ये जो वाइब्रेशन है वो इसी मेन पॉइंट के अक्रॉस करती चली जाती है। पिंडोलम की जो उसके नीचे हम लोगों ने धागे से जो बॉल लटकाई होती है वो इस अपनी हरकत को बार बार दोहराती है, इसी मेन पॉइंट के अक्रॉस बार बार अपनी रोटेशन को जारी रखती है। किसी भी बॉडी की ऐसी मोशन जिसमें जो बॉडी है एक ही फिक्स पॉइंट या मेन पॉइंट के अक्रॉस अपनी रोटेशन को या अपनी मूवमेंट को बार बार रिपीट करे, बार बार दोहराए, तो उस चीज़ को हम उस बॉडी की ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे कि जो घड़ी है, घड़ी के जो पिंडोलम होते हैं वो भी सिमिलरली इसी तरह से मूव करते हैं, और स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ अगर वेट है इसको हम लोग अगर एक्सटेंड करें नीचे की तरफ किसी फोर्स से पुश करें तो हमारा जो स्प्रिंग है इसी मेन पॉइंट के अक्रॉस मूवमेंट को करता है, कभी ऊपर कभी नीचे। इस तरीके से जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं, अगर इसको इस तरीके से रखकर देखा जाए हॉरिजॉन्टली, तो अगर ये इसकी फिक्स पॉइंट है या इसका मेन पोजीशन है तो कभी ये अपनी मेन पोजीशन से आगे की तरफ इस तरफ मूव करेगा, कभी दोबारा मेन पोजीशन पर आ जाएगा, कभी मेन पोजीशन से इस तरफ एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ मूवमेंट करेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा और बार बार अपनी हरकत को दोहराएगा। अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे ही मूवमेंट शो करने को किसी भी बॉडी की अगर मेन पोजीशन के आसपास ही मूवमेंट हो रही है, उसकी दाएं और बाएं मूवमेंट हो रही है, तो इस चीज़ को उस बॉडी के लिए ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। जैसे कि मुख्य शिक्षा के स्ट्रेंथ में भी ऐसा होता है, जैसे कि ये झेलने झूला झूलने वाला है, बच्चों का एक झूला झूलने वाला होता है जिसके यहाँ पे एक रॉड होते हैं, रॉड के साथ ही दोनों जो हैं वो रस्सियाँ बंधी हुई होती हैं, और इस मेन पोजीशन के अक्रॉस ये जो झूला है मूवमेंट शो करते हैं, यानी कि इसका एक फिक्स पॉइंट होता है जो यहाँ पे ज़मीन के साथ फिक्स हुआ होता है और इस पॉइंट के अक्रॉस ये मूवमेंट शो कर रहा होता है, इसके पीछे से फोर्स लगा के पुश किया जाता है, उसके बाद ये उस लगने वाली फोर्स के तहत अपनी मेन पोजीशन जो कि ये मेन पोजीशन होती है इसके आगे पीछे अपनी हरकत को बार बार दोहराता है। सिमिलरली इस तरह से हमारे पास अगर कोई कर्व डिश हो, इस तरह से कोई स्टील की कर्व डिश हो और इसके अंदर एक आयरन की बॉल पड़ी हो, स्टील या आयरन की बॉल पड़ी हो, तो होता क्या है कि जो बॉल है ये चूंकि इसका कर्व पार्ट होता है इस डिश का जिसके अंदर इसे डिस्प्लेस किया हुआ है, ये बार बार कभी इस तरफ को मूवमेंट शो करती है बॉल तो कभी इस तरफ को, यानी कि फिक्स पॉइंट तो इसका यही हो गया, लेकिन ये बार बार अपनी हरकत को इसी मेन पॉइंट या फिक्स पॉइंट के अक्रॉस बार बार रिपीट करती है और ऑसिलेटरी मोशन शो करती है, और बिल्कुल एक तरह की मोशन है, जितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जाते हुए ट्रैवल करेगी उतना ही वापस आकर यहाँ से यहाँ जाते वक्त ट्रैवल करेगी, यानी कि बिल्कुल पीरियोडिक मोशन होती है, बिल्कुल सीक्वेंस से एक ही तरह की मोशन होती है। ऑसिलेटरी मोशन की हमारी डेली लाइफ में बेशुमार एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर आपके पास कोई आयरन का स्केल हो, अगर इस तरह का कोई स्केल है आपके पास, आप उसे इस तरह से करेंगे किसी एक जगह पर प्लग कर दें, किसी टेबल के अंदर का कोई सुराख सा हो लाइन की सूरत में, अगर आप वहाँ पर रख कर इसको खींचना शुरू करें तो क्या होता है कि ये जो स्केल है इसकी मोशन को अगर आप देखें तो भी फिक्स पॉइंट के क्रॉस जो है बार बार अपनी मोशन को दोहराता है, इसी मेन पॉइंट के क्रॉस जो है अपनी हरकत को बार बार शो कराता है। इसी तरह जो मुख्य म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि सितार, उसकी अगर आप किसी भी एक वायर को खींच के छोड़ें प्लग करें तो वो वायर जो है वो इस तरह से रोटेशन शो कर देगी अपने मेन पॉइंट के अक्रॉस बार बार अपनी हरकत को दोहराती है और ऑसिलेटरी मोशन जो है वो शो करती है। ऑसिलेटरी मोशन होती कब है और किस वक्त हम कह सकते हैं कि कोई बॉडी ऑसिलेटरी मोशन की कंडीशन में है, इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जब वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो हम कहते हैं कि जो बॉडी की मोशन है इस वक्त वो ऑसिलेटरी मोशन है। जैसे कि अगर मैं स्प्रिंग की एग्जांपल लेके समझाऊं, जब आप स्प्रिंग पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, किसी फोर्स से इसे नीचे की तरफ खींचेंगे, इसकी फिक्स पॉइंट होगी, इसे नीचे की तरफ किसी भी फोर्स से खींचेंगे, इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, इसे पुल करेंगे, तो ही इसमें ऑसिलेटरी मोशन स्टार्ट होंगी। जैसे कि ये हमने फोर्स लगाई और किसी एक्सटर्नल फोर्स से हमने इसे नीचे की तरफ खींचा, हम इस पर कोई वेट भी लटका सकते थे, कोई भी वेट रख सकते थे जिसकी वजह से नीचे की तरफ एक्सटेंड कर जाए, खींच जाए नीचे की तरफ। जैसे हम कोई फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स को लगाने के बाद जो स्प्रिंग है ऑसिलेटरी मोशन स्टार्ट कर देता है अपनी फिक्स पॉइंट से, कभी वो आगे की तरफ मूवमेंट शो करता है,
तो कभी पीछे की तरफ मूव करता है और फिर सिक्स पॉइंट पर आ जाता है, यानी कि बार बार अपने मूवमेंट को अपने सिक्स पॉइंट के अक्रॉस बार बार दोहराता है और ऑसिलेटरी मोशन शो करता है। तो पहली बात ये होगी कि बॉडी के लिए फोर्स का लगाना मस्ट है, फोर्स लगानी चाहिए। दूसरी चीज़ हमारे पास ये होनी चाहिए, अगर फोर्स लगी है, पहली बात तो ये कि हमने फोर्स लगाई, अगर फोर्स लगी है तो दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि बॉडी एक्सेलरेशन भी शो करे, यानी कि उसके जब फोर्स लगे तो उसका मतलब है कि एक्सेलरेट भी बॉडी करती है, तो एक्सेलरेशन जो है वो करना भी मस्ट है। तीसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर कोई ना कोई रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए, ऐसी फोर्स जिसके तहत हमारी ये जो बॉडी है इसको जब हम फोर्स हटाएं तो ये वापस अपनी मेन पोजीशन पर आ सके, ऐसी फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, यानी कि किसी भी बॉडी के अंदर जमा शुदा ऐसी फोर्स जिसके तहत वो अपनी मेन पोजीशन पर वापस आ सके। और इसके अलावा बॉडी कोई ना कोई इनर्शिया भी, इसके अंदर इनर्शिया की प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। इनर्शिया किसी भी जिसम की ऐसी खसूसियत होती है जो उसमें चेंज में रेजिस्ट करती है, यानी कि ऐसी रेजिस्टिव फोर्स होती है जो चेंज इन मोशन में जो है अपोज करती है। अगर ये बॉडी अपनी मेन पोजीशन से आगे की तरफ जाती है तो जैसे ही हम फोर्स छोड़ते हैं तो ड्यू टू इनर्शिया अपने अंदर जमा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही ये जो मैस है हमने लटकाया हुआ स्प्रिंग के साथ ये वापस अपनी मेन पोजीशन पर आ पाता है और अपनी जो ऑसिलेटरी मोशन है उसको जारी रख पाता है सिर्फ इनर्शिया की वजह से। इसलिए बॉडी के अंदर जो है इनर्शिया की प्रॉपर्टी भी मस्ट होनी चाहिए। पांचवी चीज ऐसी है जिसे हम फाइनली प्रूफ भी करेंगे कि जो फोर्स लगने से एक्सेलरेशन होता है इस बॉडी के अंदर और जो डिस्प्लेसमेंट ये करती है, जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट तो करेगी अपनी मेन पोजीशन से थोड़ा सा आगे आएगी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करेगी। ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये हमारी एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है और एक्सेलरेशन और फोर्स जो है ये डायरेक्टेड होते हैं टूवर्ड्स द सेंटर या मेन पोजीशन। इस चीज़ को हम फाइनली प्रूव भी करेंगे, लेकिन ये कंडीशन होना ज़रूरी है। जब किसी भी बॉडी में ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए उस पर फोर्स भी अप्लाई की जाए, वो एक्सेलरेट भी करे, उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स भी हो, इनर्शिया की प्रॉपर्टी भी शो करता है और बार बार अपनी मेन पोजीशन के अक्रॉस जो है वो अपनी मोशन को बिल्कुल सेम रखे, तो उस वक्त जो मोशन होती है किसी भी बॉडी की हम उसे तब कह सकते हैं कि ये वाली मोशन जो है ये ऑसिलेटरी मोशन में आती है, यानी कि ऑसिलेटरी मोशन की कैटेगरी तब पूरी होती है जब ये प्रॉपर्टीज कोई भी बॉडी पोज करे, उस पर फोर्स भी लगे, वो एक्सेलरेट भी करे, उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स भी हो और इनर्शिया की प्रॉपर्टी भी हो, और जो डिस्प्लेसमेंट वो शो करे स्प्रिंग को जितना वेट को नीचे खींचे जितना डिस्प्लेसमेंट हो वो लगने वाले एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि ये उस बॉडी की ऑसिलेटरी मोशन है, जैसे कि पिंडोलम है। पिंडोलम में भी कोई ना कोई फोर्स लगाई जाती है, कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस पॉइंट पर ले जाकर छोड़ दिया जाता है। इस फोर्स के लगने से ही तो ये जो बॉब है ये ऊपर तक मूव कर पाया, जैसे ही आप इसको छोड़ते हैं तो ये वापस अपनी मेन पोजिशन पर आता है और ड्यू टू इनर्शिया अपने अंदर जमा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये अपनी मोशन को बंद नहीं कर देता, बल्कि इनर्शिया इसे मोशन में ही रखती है, क्योंकि ये मोशन में था तो इनर्शिया की वजह से अपने अंदर रिस्टोरिंग जमा हुई रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और बार बार अपनी मोशन को इस मेन पॉइंट के अक्रॉस रोटेट दोहराता रहता है, जिसकी वजह से इन सब मोशन को हम लोग कहते हैं कि ये ऑसिलेटरी मोशन है। इन सब चीज़ों की मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इसके अलावा भी हमारी डेली लाइफ से ऑसिलेटरी मोशन की बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल ली जा सकती है।